गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़ोरों का बारिश और तूफान हो गया था, इसलिए थोड़ा बिजली की प्रॉब्लम थी। 4-5 दिन कंटिन्यू बिजली नहीं थी, इसलिए ना ही मेरे मोबाइल पे चार्ज था और इसीलिए मैंने कोई भी ब्लॉग और वीडियो शूट नहीं कर पाई। और फ्रेंड्स, मेरे और भी एक चैनल है प्रीति जोन, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस चैनल पे मैं हर हफ्ते 3 से 4 दिन वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ, तो आप लोग अगर चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैं करूँगी पूजा, तो चलिए शेयर करती हूँ। तो गाइस, मेरा जो पूजा है वो हो चुकी है और मैंने यहाँ पर लक्ष्मी जी और राधा कृष्ण जी और शिव जी का पूजा किया है, तो मेरा पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं चाय पी रही हूँ और मैंने तो इस ब्लॉग कल स्टार्ट किया था और कल मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि कल बहुत मौसम बहुत ख़राब हो गया था और बहुत ज़ोरों का बारिश हुआ था, और बारिश जब होती है तो अंधेरा हो जाती है पूरा, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो इस ब्लॉग को मैं आज कंटिन्यू करूँगी और आज भी मौसम ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बारिश है और थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी है, लेकिन इस ब्लॉग को मैं आज कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए बाहर एक बार देख लेते हैं। अभी मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ और वैसे तो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ पर मैंने फुल डे का शूट नहीं किया है क्योंकि अभी मैं मायके हूँ, अपने मम्मी के घर पे हूँ और यहाँ मैं ज़्यादातर कुकिंग नहीं करती हूँ और काम भी बहुत कम ही करती हूँ, तो इसलिए पूरा डे का शूट नहीं कर पाई। तो चलिए, मैं अपनी तूफ़ान से मेरी घर का जो हालात हुआ है वो आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ ऐसे गिर चुका है तूफ़ान की वजह से। परसों अचानक की तूफ़ान से बहुत सारे पेड़ ख़राब हो चुका है और यहाँ पर भी 2-4 और पेड़ टूट चुका है और अभी भी बारिश जारी है। आज भी बहुत ज़ोरों का बारिश आई थी पूरा ही दिन, अभी थोड़ा कम है। वो आप लोग देख पा रहे हैं, वो मंकी है, हमारे यहाँ बहुत धूम मचाता है मंकी, और यहाँ पर बहुत सारा पेड़ है जो खराब हो चुका है। इसे हम साफ करेंगे, 2-4 दिन लगेंगे हमें ये सारे पेड़ पौधा को साफ सफाई करने के लिए। और अभी थोड़ा थोड़ा फिर से पानी पड़ने लगी है। ये क्या है गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं, ये ग्रीन चिल्ली का पेड़ है। वैसे तो एक ग्रीन चिल्ली है लेकिन इसका जो कलर है वो ब्लैक है, इसे आप ब्लैक चिल्ली भी बोल सकते हैं। इसका कलर ब्लैक है और इसका पत्ता भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक ही है। एक ग्रीन चिल्ली का एक पौधा है और ये है एक फूल का पौधा और यह और एक ग्रीन चिल्ली के पौधा है। तो इस तरह से सारे पौधा है और यहाँ पर और एक फूल के पौधा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में क्योंकि फिर से बारिश आने लगी है और मैं आप लोगों को पूरा मेरा जो पीछे के साइड में जो पेड़ पौधा खराब हो चुकी है वो पूरा नहीं दिखा पाई क्योंकि फिर से बारिश आने लगी है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगी है। और मैं आज बाहर भी जाने वाली थी और हमारे घर के पास में ही एक नदी है और नदी के उस पार एक पहाड़ है और वहाँ पर मैं जाने वाली थी और आप लोगों को भी साथ में लेके जाने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं जा पाई क्योंकि बारिश बहुत बार बार आने लगी है। और मैं और एक वीडियो भी अभी शूट करने वाली हूँ और वो है रिव्यू वीडियो, और रिव्यू वीडियो में मेरी दूसरा चैनल है जिसका नाम है प्रीति जॉन, उसमें डालती हूँ। और उस चैनल में मैं हर हफ्ते 3 से 7 दिन रिव्यू वीडियो लाती हूँ और अगर आप लोग
मेरा रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ और रिव्यू वीडियो भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। बार बार बारिश होती है, तूफान होती है और लाइट 3 से 4 दिन तक नहीं रहता है। तो मैं मोबाइल से शूट करती हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है तो मोबाइल में ज़्यादातर चार्ज नहीं होती है या फिर अंधेरा होती है, इसलिए मुझे वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ कंटिन्यू। और अभी मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग भी लाऊंगी और रिव्यू वीडियो भी लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो और ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए।